वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज फिर एक न्यू ब्लॉग लेके आ गया हूँ आप लोगों के बीच। और अभी गए हम नहा धो के, फ्रेश हो गए हैं, और मेरे साथ जवाहर भैया भी हैं और ये मुजम्मिल भाई। तो एक्चुअली क्या, यहाँ पे जो है ना कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए अभी कमरे के अंदर ही हैं। तो अभी चलते हैं अपने हाईलैंड कॉटेज में। हमारा जो रूम है वो दूसरे कॉटेज में है, और सर लोग भी रुके हैं हाईलैंड कॉटेज में, अपने वाले कॉटेज में रुके हैं। ये स्टोन कॉटेज है, स्टोन कॉटेज। तो अभी चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं आपको लेके सबसे टॉप पे हेलीपैड पे, वहाँ से आपको दिखाते हैं व्यू। तो आप समझ सकते हो कि ठंडे में क्या हाल होता होगा। दाल चावल। सो गाइस, एक्चुअली क्या है, ये खाना मुजम्मिल भाई के लिए लेके आया था रात में, लेकिन उसका तबीयत खराब हो गया तो इसलिए वो खाए नहीं। अभी ले चलते हैं वापस। और आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा जो है ना पहाड़, नीचे का पूरा व्यू दिखता है, लेकिन अभी कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे फॉग जमा हुआ है पूरा। और आप देख सकते हैं कि बारिश यहाँ पे कंटिन्यू, जब से आए तब से बारिश कंटिन्यू चल रही है। नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों जवाब भैया? यहाँ से तो पूरा व्यू दिखता है ना, नीचे दिखता है, बिल्कुल दिखता है, लेकिन अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखो आप, पूरा फॉग ही फॉग है। और पीछे कुछ इस तरह से, ये सामने वाले कॉटेज में हमारा रूम है। और आप देख सकते हैं इनके लिए खाना रख रहे हैं जवाहर भैया यहाँ पे, रोटी दाल चावल पनीर की सब्जी। कहाँ गए? आ जाओ नीचे आ जाओ। अभी मैं आपको एप्पल का पेड़ दिखाता हूँ, यहाँ पे रास्ते के साइड में है, तो मैं सोचा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है, ये एप्पल का पेड़ है। ये भी इसके साइज छोटे छोटे हैं, इसलिए उतना दिखाई नहीं दे रहा पा रहा। ये देखिए, इसमें भी लगा हुआ है। और ये आ गए हम अपने हाईलैंड विला में, और यहाँ जो है गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है, देख सकते हैं, मर्सिडीज, BMW, XUV 500, अपने एम्बुलेंस, और ये अल्टो। ये अल्टो यहीं पे रहती है, मार्केट वगैरह कुछ सामान वामान लाने के लिए। तो चलते हैं अभी नीचे, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या बना हुआ है। और ये देखिए, जवाहर भी आते हुए लग गए हैं। नरेश भी आपका हो गया, नाश्ता हो गया? अभी नहीं भाई। अच्छा, हमारे वेट कर रहे थे। आप देख सकते हैं कृष्णा भाई इधर ये बनाते हुए ब्रेक हैं, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, पोहा सैंडविच हलवा और अचार। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, लंच का बाद में देखेंगे कैसे क्या सिस्टम है। मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। और इधर जवाहर भैया और इधर नरेश भैया। तू भी खाएगा? हाँ भाई, जल्दी ला, मेरा भी जानी है उसमें। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद कैमरा लेके आता, फोटोग्राफी करता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से व्यू दिखता है। और सुबह से बारिश हो रहा है, अब भी जाके थोड़ा देना, थोड़ा सा कम हुआ है। तो अभी हम निकल चुके हैं घूमने के लिए, और ये अपना हाईलैंड कॉटेज है। और देखिए कुछ इस तरह से व्यू। और ये अभी हम चढ़ाई की तरफ चल पड़े हैं, हिमालयन हाइट पर जाने के लिए तो बहुत अभी चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा। और ये देखिए, ये फ्लावर, यहाँ से देखिए व्यू नीचे। एक्चुअली ये अभी वीडियो में आपको पता नहीं चला, लेकिन है बहुत नीचे है। और हम नरेश भैया और अपना जम्मिल भाई जवाहर भैया, अभी हम हिमालयन हाइट की तरफ निकल चुके हैं, और चढ़ाई तो अभी बहुत चढ़ना पड़ेगा। यहाँ सेंटर वाली स्लिप ले ले, सेंटर वाली स्लिप ले लो, ये देंगे नहीं। आराम से चलते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूंगा। लग रही है बारिश हो रही है। और ये देखिए पूरा बादल, ये अभी बादल से जो है ना हिमालय पूरा जो है ना अभी ढक गया है, तो इसके पीछे हिमालय पूरा दिखता है। और ये अभी तो हम बस
स्टार्ट किए हैं ऊपर चढ़ना, अभी तो और भी बहुत ऊपर चढ़ना है। गाइस ये देखिए व्यू, ये एकदम पूरा, अभी जो है थोड़ा बादल क्लियर हो गया है, पहाड़ वगैरह सब दिखने लगे। सुबह से बारिश इतना हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सुबह से वेट कर रहे थे कि बाहर जाएंगे, और ये देखिए कुछ इस तरह से व्यू। और अभी हम हिमालयन हाइट पे जा रहे हैं, ये जो आपको बादल पूरा ऊपर दिख रहा है ना, उससे भी ऊपर थोड़ा जाना है पूरे टॉप पे। गाइस चढ़ते चढ़ते पूरा गला सूख गया है, पानी लेके तो कोई भी नहीं आए, हमारे भाई लोग भी नहीं आए हैं। और ऊपर अभी और भी मुझे बहुत ऊपर थोड़ा जाना है। और ये हुआ कि सुबह से वेट कर रहे थे कि बारिश कब रुकेगी कब रुकेगी, तो जाएंगे ऊपर, लेकिन लास्ट में अभी बारिश जो है स्लो हो गया है। और यहाँ पे ठंड, बारिश, भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? जन्नत वाली फीलिंग आ रही है, एकदम बढ़िया भाई, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी मस्त। और ये नेचुरल ब्यूटी आपको कहाँ देखने को वहाँ पे दिल्ली में मिलेगी, ये देखिए। गाइस हम लोग वहां से आए बिल्कुल नीचे से, अभी इतना तो चढ़ के आ गए हैं, और भी अभी थोड़ा ऊपर जाना है। ये अभी जो ना बिल्ला वगैरह सब जो ना बहुत अभी बन रहा है, और बहुत अच्छा अच्छा बिल्ला यहां पे बनता है। तो देखिए यहां पे काम कैसे चलता है, यहां पे मटेरियल रेडी करते हैं, और यहां से सीधे छत पे चले जाते हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ यहां से कुछ इस तरह से व्यू, ये देखिए, ये देखिए कितनी शानदार, इतना बढ़िया फील आता है ना यहाँ पे आके। के बाद तो हम चढ़ ही गए हैं हिमालयन हाइट पे, थोड़ा सा ऊपर और जाएंगे हेलीपैड पे पहुंच जाएंगे। और यह हिमालयन हाइट के सबसे टॉप बिला है, ये स्काई बिला। पहले सर के साथ इसी में आते थे, जब हमारा हाईलैंड बिला नहीं था तो इसमें आते थे। और यहाँ से जो व्यू आता है एकदम नेचुरल, अभी तो क्या थोड़ा फॉग इतना क्लियर नहीं हुआ है, तो यहाँ से पूरा हिमालय उस साइड में पहाड़ के पीछे दिखता है। अभी पूरा क्या फॉग जमा हुआ है तो दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी लगता है यहाँ पे कोई गेस्ट वगैरह जो ना, अभी ये बुकिंग में नहीं है, ये भी खाली दिख रहा है पूरा। मैं थोड़ा अंदर जाके आपको दिखा देता हूँ, पूरा अंदर तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि लॉक है, बाहर बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है ये। ये देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से पूरा व्यू कैप्चर होता है यहाँ से। इसके ऊपर कोई विला नहीं है, इसके ऊपर हेलीपैड है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये देखिए नेचुरल व्यू, नेचुरल ब्यूटी जो बोलते हैं इसको बोलते हैं। यहाँ पे आकर जो सुकून मिलता है ना आपको, दिल्ली में तो बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। अभी हम जा रहे हैं हेलीपैड की तरफ, स्काई विला तो आपको दिखा दिया, और अभी हेलीपैड मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो ऊपर है, सबसे टॉप पे है।
और यहाँ की चढ़ाई भी बहुत खतरनाक है, एकदम एकदम ऊपर की तरफ है। अब देख सकते हैं कि सांस निकल रही है। ये देखिए चढ़ाई, ये इससे पहले भी मैं यहाँ पे दो तीन बार आ चुका हूँ, लेकिन उस टाइम पर मेरा YouTube चैनल नहीं था, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था उस टाइम पे। और इससे भी ख़तरनाक चढ़ाई तो हम केदारनाथ भी जा चुके हैं पैदल, जहाँ से मतलब घोड़े या हेलीकॉप्टर से ऊपर जाते हैं, मैं पैदल गया हूँ केदारनाथ। सो गाइस फाइनली हेलीपैड पे पहुँच गए हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है, अभी पहले खुला था। और यहाँ तक आते आते हालत हो चुकी है ख़राब, देख सकते भाई बंधु अपने, ये है नरेश भैया, ये है हेलीपैड पे जाने के लिए गेट, लेकिन अभी बंद कर दिया है, पहले ये खुला था। सो गाइस फाइनली हेलीपैड पे पहुंच गए हैं, और मेरे साथ मुजम्मिल भाई भी आ रहा है। और यहाँ पे बिना परमिशन का अंदर जाना बिल्कुल मना है, गेट लगा हुआ है पीछे वहाँ पे, लेकिन फिर भी हम आए हैं आपके लिए। बदले में क्या चाहिए, बस आपका प्यार और सपोर्ट। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो बस एक लाइक कर दीजिए, वो क्या चाहिए छोटे भाई को आपसे, बस सपोर्ट बनाए रखिए। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, उससे ऊपर ही हो चुका है, ये आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से हुआ है। और उम्मीद है कि आप लोग बहुत जल्द 1K भी करा दोगे। सो गाइस प्लीज़ छोटे भाई को सपोर्ट करना, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, जैसे आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिया है मुझे, ऐसे ही आप लोग करते रहो। मैं इससे भी बेहतर बेहतर ब्लॉग लाऊंगा। एक्चुअली क्या है, अभी मेरा मोबाइल भी पुराना है, और मोबाइल के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, और ना माइक ना गोप्रो ना आईफोन वगैरह कुछ नहीं, एक पुराना सा फ़ोन है मेरा 2-3 साल पुराना, उसी से सब कुछ करता हूँ। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। मैं यहाँ का आपको व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ से कैसे दिखता है नीचे की तरफ, और कैसा दिखता है हेलीपैड मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कहाँ से आए हैं, एकदम ऐसे चढ़ाए, ऐसे ऐसे चढ़ के अभी आए हैं, और ये हेलीपैड कुछ इस तरह से दिखता है। हाँ गाइस, जब इससे पहले हम 2-3 बार आ चुके हैं, लेकिन ये जो विला है ये नहीं बना हुआ था उस टाइम पे, ये ऐसा भी नहीं था, ये बन ही रहा था, काम ही चल रहा था तब हम आए थे। ये रेलिंग वगैरह कुछ नहीं था। यहाँ से उतर के हम ये इसके नीचे, इस पे भी जाके हमने फ़ोटो वगैरह शूट कराए हैं, इसके नीचे है उस पे भी गए थे। तो आइए आपको ये जो है यहाँ पे तो अभी एक्चुअली क्या है, यहाँ पे सीमेंट वगैरह लगा हुआ है, नहीं तो यहीं पे हेलीपैड, यहाँ पे एच बना हुआ है, यहीं पे हेलीकॉप्टर उतरती है, हम तो उतरे हुए कभी देखे नहीं हैं, लेकिन ये स्पेशल बनाया गया है इसीलिए। पूरा पहाड़ को तोड़ के आप देख सकते हैं। और ये जो विला है ये पहले नहीं बना हुआ था, अभी नया फिलहाल ही बना हुआ है। ये सब जो है ना, ये सब भी कुछ नहीं था, ये बिल्कुल जो है ना लेटेस्ट में ही बना हुआ है, कुछ टाइम पहले ही बना हुआ है। ये भी नहीं बना हुआ था, ये यहाँ पे टाइल्स वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ था, इतना हाइट भी नहीं था। ये जो पत्थर आपको दिख रहा है उस सब पे जाके हम लोग बैठते थे पहले, नीचे से आते थे ऊपर। अभी तो पूरा ये उन्होंने क्या बंद कर दिया है, पीछे से मैं दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है यहाँ से। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन यहाँ पे भी जो बनाया है बहुत अच्छा बना हुआ है, व्यू पॉइंट वगैरह सब, यहाँ पे टेबल वगैरह सब लगा हुआ, उस साइड भी लगा हुआ है। ये इस विला का बैकग्राउंड साइड है, बैकग्राउंड से कुछ इस तरह से व्यू दिखता है यहाँ पे। आगे से कुछ इस तरह से दिखता है गाइस,
ये देखिए पूरा, ये पूरा पहले पहाड़ जो है ना यहाँ तक था, यहाँ तक ये पूरा इसको तोड़ के थोड़ा और स्पेस को जो है ना बड़ा कर दिया है। ये पता नहीं कुछ क्या बना हुआ है, मुझे भी आइडिया नहीं है। और अब मैं यहाँ से आपको नीचे का सामने का जो ना व्यू दिखाता हूँ पूरा, कि यहाँ से कैसे दिखता है व्यू। ये देखिए गाइस, यहाँ का नेचुरल व्यू, नेचुरल ब्यूटी। अब भी जो है ना ये पूरा बादल छाया हुआ है, अगर बादल नहीं रहता तो पूरा इसके ऊपर जो है ना पीछे जो है हिमालय पूरा दिखता है बर्फ़ से ढका हुआ, लेकिन अभी बादल छाया हुआ। यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं, अभी देख सकते हैं कि बारिश रुका हुआ था फिर मौसम बन गया बारिश का। तो अभी चलते हैं फिर नीचे की तरफ, हो सकता है कभी भी बारिश आ जाए। हम तो छाता वाता लेके नहीं आए हैं, छाता लेके तो नहीं आए हैं, हो सकता है अगर बारिश अचानक आ जाए तो भीग भी सकते हैं हम, मोबाइल भी भीग जाएगा। चले भाई नीचे। तो भाई चलते हैं नीचे, बारिश बिल्कुल आ सकती है, कभी भी आ सकती है। आप देख सकते हैं कि मौसम ऊपर एकदम बादल बिल्कुल काला हो गया है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ इस तरह से दिखता है व्यू गाइस। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ज़्यादा नीचे नहीं है, लेकिन ये बहुत नीचे है। मैं एक्चुअली आपको वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि नीचे नहीं है, लेकिन जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये जो बिला वगैरह जो बना हुआ है घर, ये बहुत नीचे है। सो गाइस, यहाँ पे जो भी कुछ था दिखाने लायक वो मैं आपको दिखा दिया हूँ, और मैं अब जा रहा हूँ नीचे क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, कभी भी बारिश आ सकती है। सो गाइस, हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, और देख सकते हैं कि कितना यहाँ से ढलान है नीचे की तरफ, एकदम से नीचे की तरफ खुद ही भागे जा रहे हैं। नरेश भैया, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। व्यू कैसा लग रहा है यहाँ से देखने में? खतरनाक, बहुत अच्छा लग रहा है ना? बहुत सुंदर। लेकिन जिस चीज के लिए हम लोग आए थे, उम्मीद बैठाए थे, वो चीज नहीं देख पाए क्योंकि बादल पूरा छाया हुआ है यहाँ पे। सामने हिमालय दिखता है, सामने हिमालय दिखता है पूरा इसके पीछे, लेकिन अभी बादल छाया हुआ है इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा आप देखो, ये वो उस पर जो ना धूप है, नीचे छाँव है, इधर भी धूप है, इधर छाँव है, यहाँ के कुछ ऐसा ही सीन है। अभी मैं हूँ जंगल के रास्ते में, शॉर्टकट के लिए यहाँ से निकल नीचे की तरफ जा रहा हूँ। इसके ऊपर जो है ना मेन रोड उधर से है, बहुत लंबा पड़ता है, तो मैं अभी जंगल के रास्ते से जा रहा हूँ नीचे। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा रास्ता है यहाँ का, जंगल के शॉर्टकट रास्ता कैसा। ये इधर से मैं अभी आया हूँ, और इधर से भी जाऊंगा नीचे, डायरेक्ट नीचे की तरफ है, चलते हैं। थोड़ा रिक्स तो है, लेकिन जंगल सफारी करने का एक अलग ही मजा आता है। ये देखिए कैसा रास्ता है यहाँ का, शॉर्टकट। अब शॉर्टकट लेंगे तो रिक्स तो लेना ही पड़ेगा, और जब तक जिंदगी में रिक्स नहीं है तब तक जीने का कोई मजा ही नहीं है। ये देखिए कहाँ से भी आया हूँ, इधर से इसके ऊपर से ऐसे आया हूँ ऐसे, और इसके ऊपर जो है ना मेन रोड है। अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। लाइफ में जब तक रिक्स नहीं है तब तक कुछ नहीं है, जीने का मज़ा ही नहीं आएगा, रिक्स तो लेना पड़ता है। रिक्स लोगे तभी असली मज़ा आता है जीने का। और अभी मैं देखियो, अभी मैं कितनी खतरनाक रास्ते से नीचे की तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे स्लिप भी हो सकता है, ये पूरा जंगल ही जंगल है। ये देखिए पूरा जंगल दिख रहा है पूरा। अब देख सकते हैं हमारे भाई बंधु मित्र हमारे नीचे चले गए हैं। हाय गाइस, आ रहा हूँ, चलते हैं नीचे। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, पाँव भी स्लिप हो सकता है। काफी मुश्किलों के बाद जंगल के रास्ते से शॉर्टकट लेते हुए हम अपनी विला पे पहुंच गए, हाईलैंड विला पे। दो गाड़ी यहाँ से निकल गई है नरेश भैया, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज गई है क्या नीचे? शायद बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज यहाँ से निकल गई है, सर शायद गए नीचे घूमने उमने के लिए। अब हम लोग सोच रहे हैं कि देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करना है, खाना वाना खा ले क्या?
अभी बन रहा है खाना। खाना बन रहा है तो गाइस अभी चल के देखते हैं नीचे क्या खाना बन रहा है हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए सभी के लिए बनेंगे। रामगढ़ घूमने के लिए हाँ। तो गाइस हम लोगों का प्लान बन गया फिर से वापस नीचे मार्केट की तरफ जाने के लिए। तो चलते हैं मार्केट। अभी जस्ट जंगल की तरफ से आए थे शॉर्टकट लेते हुए और वापस अभी फिर से हमारे जवार भैया बोल रहे हैं कि जंगल की तरफ से फिर से शॉर्टकट लेंगे। देखिए भालू गाइस बोल रहे भालू दिखाएंगे। अभी कहाँ दिखेगा भालू। देखिए ये कैसा रास्ता से लेके जा रहे हैं। देख रहे हैं गिरते पड़ते हुए पहुंचेंगे मार्केट। चलते हैं यहाँ पे भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कैसा रास्ता है कैसे से जाएंगे कैसे मार्केट पहुंचेंगे। चलते हैं यहाँ से मार्केट लेट्स गो। पता नहीं कौन से रास्ते से लेके जा रहा। देख रहे हो देखिए गाइस जंगल ही जंगल दिख रहा है पूरा रास्ता ही बंद हो गया। कांटे हैं यहाँ पे। देखिए गाइस देखिए पहाड़ों में इस रास्ते से लेके जा रहे हैं। गाइस रिक्स तो है लेकिन मजा भी आ रहा है। जंगल सफारी करते हुए बहुत मजा आ रहा है। अब देख सकते हैं इधर पूरा खाई है नीचे। इधर अगर पाँव स्लिप हुआ तो सीधे नीचे चले जाएंगे। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। शॉर्टकट तो है लेकिन जंगल सफारी करते हुए मज़ा भी बहुत आ रहा है। अब ये देख सकते हैं ये देखिए कैसा रास्ता है। ये रास्ता है और ये पीछे देखिए पीछे पूरा जंगल ही जंगल। इस साइड में पूरा खाई है। चलते हैं ऊपर। ये देखिए रास्ता ये देखिए। चल गाइस अभी मैं आ गया हूँ ऊपर और मैं यहाँ से भी आपको व्यू दिखाता हूँ नीचे की। हाँ एकदम यहाँ से मस्त व्यू आता है। पीछे रह गया हूँ आप देख सकते हैं वहाँ पहुँच गया है। पहाड़ों पे चढ़ना उतरना इतना आसान बात को नहीं। आप देख सकते हैं कि सांसें कितनी रनिंग में चल रही है। पता नहीं कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं। वो तो रोड दिख रहा है सामने नीचे से और ये हम लोग जा रहे हैं ऊपर से। अभी इधर से आए हैं ऊपर से और अभी नीचे जा रहे हैं हम लोग इधर। ये देखिए रास्ता ये पता नहीं कहाँ कहाँ से ले जा रहे हैं। इसके नीचे मेन रोड तो दिख तो रहा है थोड़ा थोड़ा। डर के आके जीत है। प्यास सबको लगती है गला सबका सूखता है। ये कितना रिस्की रास्ता है कितना फिर भी रिक्स लेके घर से ही आए। ये देखो बहुत डेंजर बहुत खतरनाक रास्ता है। यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ से इस रास्ते से अभी आए हैं और अभी मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट। मार्केट कहाँ पे है ये देखिए मार्केट पहाड़ों के रास्ता से। ये भी रास्ता आता है सीधे मेन रोड लेकिन हम आए हैं शॉर्टकट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट। पानी वानी पी लो पाँव धो लिए। पानी ठंडा होगा ना। ठंडा है पानी। पानी गाइस ठंडा है। और ये है मार्केट रामगढ़ मार्केट जो अपनी कॉटेज से बस थोड़ी सी डिस्टेंस पे है। 2.5-3 किलोमीटर है बस। कार से आएंगे तो मेन रोड से आना पड़ेगा नहीं तो पैदल आएंगे तो शॉर्टकट भी आ सकते हैं जैसे हम आए हैं। तो मैं अभी मार्केट आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा बहुत दिखा दिया हूँ और आप भी दिखाता हूँ।
लंच का टाइम हो चुका है और हम आ गए हैं अपने किचन में। देखते हैं क्या क्या बना हुआ है। क्या क्या बना हुआ है कृष्ण भाई? दाल है, पेटी की सब्जी है, मिक्स वेज है, साइड टोस्ट है, चावल है, सलाद है, अचार है, पापड़ है, रायता है। तो अभी लगा लेते हैं थाली। मैं दिखाता हूँ थाली लगा के आपको। पहले आप देख सकते हैं चावल, दाल, मिक्स वेज, सलाद और अभी रायता, रोटी और पापड़ लेना बाकी है। ये रायता, ये है पापड़, रोटी। तो मिलते हैं गाइस। जैसे ही हम लंच करके आए अपने कमरे में, मोबाइल चार्ज में लगा दिया, मोबाइल हो गया था डिस्चार्ज। और अभी जब पूरी आँख भी लग गई थी, अभी जब सो के उठा हूँ देख रहा हूँ बारिश इतनी तेज़ हो रही है। देख सकते हैं गर्म पानी पी रहा हूँ, इतनी तेज़ हो रही बारिश, पूरा अंधेरा छा गया है। ये देख सकते हैं बारिश हो रही कितनी तेज। और हमारे साथ अपने मित्र लोग भी हैं, ये आप देख सकते हैं। भाई ठंड लग रही है, देख रहे गर्म पानी पी रहे हैं। सो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।